जी कहते हैं राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी आपको ये इक्वेशंस दी गई हैं, इनको आप इसमें कन्वर्ट करें, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर इसमें से बताना है कि प्योर कौन सी हैं। ठीक है, मैं जरा अपने वाली वीडियो बंद कर रहा हूँ और फैजान आपकी भी वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम ऑडियो पे आ जाए ना, थोड़ा स्पीड अच्छी हो जाएगी। ओके, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा एक नई स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा उस पर तवज्जो करें। तो न्यू स्क्रीन जो है ये हमारी क्लासरूम वाली, हमारा व्हाइट बोर्ड आ गया, आप सब देख सकते हैं स्क्रीन को। यस सर जी तो आज की डेट डाल देते हैं, 10 तारीख है। ओके, अब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। जी क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, आप उनको सिंपलीफाई करें और इसमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताएं, राइट? यस सर तो लेट्स सी। हाँ जी, कुरकान पहला क्वेश्चन लिखवाएं मुझे, अगर आप देख सकते हैं तो पार्टिसिपेट करें। क्या बस एक्सप्लेन सेवन जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रैकेट्स में एक्स प्लस सेवन। सिर्फ ब्रैकेट्स में जी, which is x plus 7 into फिर ब्रैकेट में x माइनस थ्री जी इज इक्वल टू माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी गई है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले आप एक्स को टेकअप करें, एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर प्लस 7 को लें, इसको भी एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल टू क्या होगा, माइनस 7। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या आ जाएगा, 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल माइनस टू 7 माइनस 7 माइनस 7। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 है, ये 7 इधर आके देखें आप, ऐड हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। यस सर आ जाता है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये इक्वेशन आपको कौन सी नजर आ रही है, प्योर है ये इक्वेशन? देखिए ना, इसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों मौजूद है, हम कहेंगे इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। जी कोई मुश्किल इसमें? ओके, अब ये जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 स्क्रीन पर देखें क्या था जी, एक्स स्क्वायर
यही क्वेश्चन है कि x square plus 4 over 3 जी, और शो नहीं हो रहा, चेक करते हैं स्क्रीन पे। अब उस ले माही चलो के अब देखिए कौन सी स्क्रीन आ रही है सामने। तो ये क्या आ गया, x square plus 4 over 3 minus x over 7 minus x over 7 is equal to 1। नजर आ रहे हैं आपकी? Yes sir। चलिए ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। आप इन दोनों क्वेश्चंस इसको देखें स्टेटमेंट को, तो हमें इसे सॉल्व करना है पार्ट नंबर 2 को जी। तो आपको क्या लगता है 3 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 21। 3 और 7 का एलसीएम लेना आता है हमें? यस सर। ये क्या होगा 3 और 7 का एलसीएम लें, 3 से डिवाइड करें, 3 1 का 3, 3 7 का 21, फिर 7 पे 1 एंड 1, तो आपको क्या आ जाएगा 3 7 का 21। तो इनका एलसीएम आ गया क्या 21। तो फर्स्ट स्टेप में एलसीएम निकाल लेंगे। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड्स, इसको भी आपने 21 से मल्टीप्लाई किया, नजर आ रहे हैं? Yes, sir. जी, x square plus 4 over 3 है, फिर क्या है जी 21 into x over 7 और equal to 1 था, तो 1 भी 21 से मल्टीप्लाई होगा, तो जस्ट आप उसे इस तरह से सॉल्व करें। तो आप देख रहे हैं 3 7 का 21 होता है। Yes, sir. और ये 7 3 का 21 इक्वल टू 21। अब हम इसे सिंपलीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3 एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स, अब देखें ये 28 को और 21 को हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, 28 माइनस 21 कितना आ जाएगा, 28 माइनस 7 7 इज इक्वल टू 0 जी। तो इस इक्वेशन में फाइनली क्या हो गया, x स्क्वायर भी मौजूद है, x भी है और कांस्टेंट भी मौजूद है, तीनों टर्म्स मौजूद है। यस, तो क्या कहेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी तक हमारे पास कोई भी प्योर नहीं आई, अब कौन सी आई है, स्टैंडर्ड फॉर्म पर, ठीक है। मुश्किल तो नहीं लगा? नो सर जी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्स ओवर एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन ओके। मैं जरा पेन की इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट फील हो जाए जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, x ओवर x प्लस 1, ये है जी x ओवर x प्लस 1 और फिर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6 जी। अब बात वही एलसीएम की करेंगे, तो सबके ओवर में देखिए क्या है, 6 के ओवर में है 1, इतना हो तो क्या होता है 1, इसके ओवर में x हो गया और इधर x प्लस 1, तो दरअसल हमारा एलसीएम क्या बन गया, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम होगा x इनटू x प्लस 1, ये हमारा एलसीएम होगा।
ठीक है ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए इनमें से हर टर्म को हम इससे एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले आप x x इनटू x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x ओवर x प्लस 1 से, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 ओवर x से। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। 6x इनटू x प्लस 1। आप नोट भी कर रहे हैं साथ साथ, रजिस्टर है ना? यस सर। यस सर। चलिए अदरवाइज मैं प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आखिर में आपको शेयर भी कर दूंगा। ओके सर। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ पर x से x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर, और उधर 6x इनटू x प्लस 1। जी आगे बढ़ते हैं, फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, ये एज इट इज आ गया। यहाँ चूंकि दो टर्म्स हैं तो जरा अप्लाई कर देंगे। हाँ जी, तो एक को फुरकान मल्टीप्लाई करा दें जी, क्या आ जाएगा, ये स्केयर खोलें, स्केयर जी, स्केयर ऑफ द फर्स्ट प्लस स्केयर ऑफ द सेकंड प्लस 2ab प्लस 2ab यानी 2x आ जाएगा। ठीक है जी, और इसी तरह इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो फैजान क्या आएगा, यू विल गेट 6x स्केयर। जी अब मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? फैजान मेरे ख्याल से ऑफलाइन हो गया। फैजान ऑफलाइन हो गया? जी फैजान आपको आवाज आ रही है मेरी? जी फैजान मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा जनाब, कनेक्ट हो रहा है वो भी जी, 6x। सर हो गया कनेक्ट जी। तो ये आप देखें क्या आएगा आगे, यहाँ पर x स्क्वायर मौजूद है। हाँ जी फैजान, ये जरा सिंपलीफाई कराएं बच्चे। फैजान आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर। हाँ जी, ये सिंपलीफाई करें, देखें x स्क्वायर में एक है आपके पास x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर, फिर 6x स्क्वायर। डायरेक्ट सिंपलीफाई करके अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूं तो क्या लिखूंगा, एक और एक दो हो गया ना सर, उधर 2x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ पर देखें एक आपके पास 2x मौजूद है, इसमें से आप 6x माइनस कर दें और फिर प्लस 1 है इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखें तो ये हो सकता है माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है तो इसको फर्दर देखते हैं जी। तो माइनस पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के करीब करीब हो जाए, तो करेंगे डिवाइड बाय माइनस 1, डिवाइड बाय माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x जबकि यहाँ आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, मैं ये रेस कर दूं, प्लस चल गया ना, माइनस पे डिवाइड किया, इट शुड बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको कौन सी इक्वेशन लग रही है ये सर? ये स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये प्योर नहीं है। ठीक है, प्योर वो होती है जिसमें ये 0 हो जाती है, क्योंकि x वाली टर्म 0 नहीं हुई, कहेंगे इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है।
जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वेरी x प्लस फोर और x माइनस फोर माइनस टू स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। मैं जरा स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ शेयर करना, क्योंकि यहाँ वन नोट के एक से ज्यादा वर्शंस खुले हुए हैं। बाकी मैं बंद कर रहा हूँ ताकि एक ही स्क्रीन हम ओपन करें। चलें जी, एक न्यू स्क्रीन में अपेयर कर रहा हूँ, तो इसको देखें। शाबाश। जी अगेन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर फोर। जी फैजान लिख पाइएगा मुझे। एक्स प्लस फोर ओवर एक्स माइनस टू माइनस जी एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू, जब प्लस फोर यहाँ पे नहीं है, इसके साथ नहीं है, वो आगे लेट है प्लस फोर। कौन सी क्वेश्चन है? एक्स माइनस टू ओवर एक्स है, ठीक है, प्लस फोर। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो नजर आ रहा है आप सही? आपको ये इरेज कर दिया मैंने। तो अब हम लिखते हैं क्या, प्लस फोर और इक्वल टू क्या है जी? जी बच्चे उस तरफ देखें, इक्वल टू क्या है? जीरो। यस सर। ओके, तो आप इनका एलसीएम देखें क्या बनेगा। आपको ओवर में क्या क्या नजर आ रहा है? मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू है और एक्स है, बस इसी से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? तो डायरेक्ट लिख दो, सिंपलीफाई करने के बाद क्या आंसर आएगा? यस सर। अब देखें क्या होगा, जब आप इस एक्स इनटू एक्स माइनस टू को इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस फोर। डायरेक्ट लिख दूं? गुड, माइनस। अब जो सेकंड टर्म है उसको देखें जरा, जब आप इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है? इसी तरह प्लस फोर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस टू। और इक्वल टू क्या होगा? जीरो। अब आप इसको सिंपलीफाई करें। फोर एक्स नहीं जी, सिर्फ फोर है, फोर एक्स नहीं है जी, सर ये फोर है, फोर एक्स नहीं है, ये फोर है ना, तो आप इसको भी x इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या किया है, x इंटू एक्स माइनस टू से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इसे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म का क्या होगा, यहाँ जरा गौर से देखें। फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म से ओवर में क्या मौजूद है, ये मौजूद है जी x माइनस टू, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। बाकी टर्म x जो है वो ये वाली टर्म x प्लस फोर से मल्टीप्लाई हो गई। फिर जब आपने x इंटू एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई किया सेकंड टर्म से, तो सेकंड टर्म में क्या है, x कैंसिल हो जाएगा, बाकी x माइनस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आगे है फोर, फोर को भी आप x इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसको सिंपलीफाई, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अच्छा, इसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया इसमें, ये स्क्वायर है ना एक्स माइनस टू का, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स
और इक्वल टू क्या हो गया जीरो। फर्दर इसको मैनेज करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर सर वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? हाँ जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही हो जाता है ना। यस सर, इसलिए लिखा ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर, फिर यहाँ क्या है फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और इक्वल टू क्या है जी जीरो। मुश्किल तो नहीं लगा जी। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखें कोई टर्म्स हो सकती हैं। एज यू कैन सी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो एक्स है ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो सकती है। ये चार yes, और चार मिलके हो जाएगा आठ, जबकि ये भी आठ एक्स है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या रह के जाता है, आपके पास टर्म्स रह जाएंगी माइनस फोर एक्स स्क्वायर और माइनस फोर, ऐसी ही कोई और टर्म तो नहीं रहती, इक्वल टू क्या आ गया जीरो। तो आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें बाय, सही नहीं आ रही आवाज, सही नहीं आ रही, अब देखें जरा, डिवाइड कर देंगे बाय माइनस फोर। सर आवाज सही नहीं आ रही आपकी, अब ठीक है? यस सर। तो डिवाइड कर देंगे बाय माइनस फोर, माइनस फोर पे डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप देखें इसमें एक्स वाली टर्म है, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो कंपेयर करें तो हमें क्या पता लगता है, स्क्वायर वाली टर्म है और कॉन्स्टेंट है, और क्या है यस सर स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट है, बी वाली टर्म खत्म हो गई, एक्स वाली टर्म खत्म हो गई। यस सर, मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, प्योर फॉर्म, सो प्योर इक्वेशन, इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एंड पे आपने बताना है, सो इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिहाजा ये कौन सी इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी बच्चों, मुश्किल तो नहीं लगा? No, तो आज का सेशन उम्मीद है कि इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। तो थोड़ा yes, सा ये है कि आपको मैं असाइनमेंट भी एक भेज रहा हूँ, राइट? तो yes, एक तो मैं छोटा सा टेस्ट भेजूंगा आपको, नाइन्थ क्लास से मुतल्लिक होगा, तो वो टेस्ट आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो सेकेंडली ये है कि इसके जो रिमेनिंग पोर्शन है, अब देखिए मैंने आपको चार क्वेश्चंस करवा दिए, चार पार्ट्स, ठीक है? दो पार्ट्स आपका होमवर्क है, दो पार्ट अगले, जी जी अगले दो पार्ट्स ये आपको ट्राई करेंगे, ठीक है? जो नेक्स्ट टू पार्ट्स हैं हो जाएंगे अटेम्प्ट आपसे? यस सर, यस सर। एक कैल्शियम आ जाएगा x * x + 4, दूसरे कैल्शियम आ जाएगा x + 2 * x + 3, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक चैप्टर वन का टेस्ट भी भेज दूंगा, ठीक है? सुन रहे हैं आपको, चैप्टर वन का सिलेबस सुन लें, क्या होगा सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस ये होगा कि उसमें से चंद चैप्टर नंबर 10 की आपने करनी है रिव्यू, क्या कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू, चैप्टर नंबर 1 और थ्योरम नंबर 1 नाइन्थ का, यस सर। तो इनका आपका टेस्ट होगा, तो मैं आज आपको व्हाट्सएप कर दूंगा टेस्ट, वो टेस्ट भी आपने मुझे आप भेजेंगे कैसे, आपको टेस्ट आ जाएगा, आप टेस्ट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक सॉफ्टवेयर होता है कैम स्कैनर के नाम से, कैम स्कैनर से जो आप टेस्ट करेंगे ना उसको अपने कैमरे से इस तरह स्कैन करेंगे, फर्ज कर लें वो पांच पेजेस पर है तो एक एक पेज नहीं, आपने पांचों के पांचों पेजेस की तस्वीर ले ली, फिर आपको कहेगा सेंड एज कि कैसे सेंड करना है, तो आपने उसको पीडीएफ में, पीडीएफ की पूरी एक फाइल बना के ना पूरे टेस्ट की, वो आपने भेज देनी है। तो आपने मुझे टेस्ट भी भेजना है और प्रैक्टिस भी भेजनी है,
प्रैक्टिस में ये दो पार्ट्स, यानी पिछले वाले चार पार्ट्स भी करने हैं और अगले दो पार्ट्स भी प्रैक्टिस में करने हैं, ठीक है? राइट बच्चों? जी मुश्किल तो नहीं लगा? टेस्ट आज मुझे बता दें, मैं आज एक बजे के बाद भेज देता हूँ, एक बजे तक आप तैयारी कर लें, ठीक है? आप कुछ देर तैयारी कर लें तो मैं आपको फिर टेस्ट भेज देता हूँ। टेस्ट का सिलेबस मैं बता देता हूँ दोबारा। सिलेबस टेस्ट का है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू, और साथ में होगा थ्योरम नंबर 12.1, इसका आज टेस्ट होगा। एक बजे मैं टेस्ट भेज दूंगा, ठीक है? और आपने उसको एक घंटे में सॉल्व करके 2 बजे मुझे भेज देना है। मुश्किल तो नहीं लगा? कल फिर आपकी मिस्टेक्स वगैरह आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, अगर उनके असल में आवाज का कम ज्यादा होना ना डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे, तो कोशिश करें किसी ऐसी जगह पे आप बैठे हो जहाँ पे आपके इंटरनेट की एक्सेस अच्छी हो, ठीक है जी? सर कल आपने डेफिनेशन लिखवाई थी शायद। जी जी सर, वो तो दिखा दे, मैं चेंज करता हूं। मैं वो भी शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पर, टेस्ट के साथ ही ना कल की डेफिनेशंस भी शेयर कर देता हूँ, आज का होमवर्क भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है तो इंशाल्लाह अज़ीज मैं सेंड कर देता हूँ थोड़ी देर में आपको। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।